गाइस ये है मस्जिद, बाहर से कुछ ऐसी दिखती है और इसके बराबर में ट्यूबवेल है। गाइस फाइनली हम मस्जिद के यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये देखें, ये देखें इसका कलर भी उतर रहा है। और तो गाइस ये कब्रिस्तान है, आपको ज़्यादा तो दिखा नहीं सकते भाई, ये वाले रास्ते से जाना है, इधर कहाँ जा रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं हसन बोलता व्लॉग्स। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। शायद आपको पता होगा कि हम आए हुए थे इस जगह पे थोड़ा सा एंजॉय करने और आपको इस मस्जिद का टूर देने, ये वही ब्लॉग होने वाला है मस्जिद का टूर देने वाला। और गाइस इस मस्जिद के सामने ये देखें, ये जो मस्जिद है ना इसके सामने इधर कब्रिस्तान है और ये है भाई ढोरा लेक। और हमारे साथ कुछ दोस्त भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा इनको भी। और अभी चलते हैं, देखते हैं मस्जिद के जो नज़ारे हैं, मतलब जो बातें मैं आपको बता सकूँगा वो मैं आपको बताऊँगा, ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल आपको थोड़ा कब्रिस्तान के कब्रिस्तान का वैसे दिखाना नहीं चाहिए, चलो मस्जिद की तरफ चलते हैं। तो भाई ये कब्रिस्तान है, आपको ज़्यादा तो दिखा नहीं सकते भाई, ये वाले रास्ते से जाना है, इधर कहाँ जा रहे हैं, इधर कोई गाँव है उधर जाता है ये रास्ता, इधर से चलो, यहाँ से भी हम जा रहे हैं। देखें रास्ता आपके साथ शेयर कर रहे हैं और देखें थोड़ा यहाँ पर आए हैं, मतलब वो आपको, आपके लिए हम इतना मतलब काम कर रहे हैं, हम आपके लिए इतने वीडियोस बना रहे हैं, आप फिर भी सपोर्ट नहीं करते यार, कुछ तो सपोर्ट करो। अगर आप हमारी वीडियो में इंटरेस्ट हो तो थोड़ा सपोर्ट तो करो, और जो हेट देते हैं उनको छोड़ो, हेट दे रहे ना उनको छोड़ दो, बस जाने दो उनको। गाइस हालत बहुत टाइट हो गई है हमारी। और ये गाइस ढोरा, ये पूरा ये बारिशों का पानी, ये पूरा ये बारिशों का पानी, उस साइड तो है मतलब रियल पानी, बट इस साइड का जो है ना मतलब ये है बारिशों का पानी। और यहाँ पे देखिए भैंसें भी नहा रही हैं ठंडा होने के लिए, और ये सारे खेत हैं, खेतों में पानी आ गया है, ये बड़े हो गए हैं इस वजह से। गाइस फाइनली हम मस्जिद के यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये देखें, ये देखें इसका कलर भी उतर रहा है। और ये देखें ये खिड़कियाँ हैं और ये भी खिड़की है, यहाँ से बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। और यहाँ पे देखें ये भी खिड़की लगी हुई है, ये इसका गेट, ये देखें इसकी छत देखें गाइस बहुत पुरानी है। और इधर कुछ सामान पड़ा हुआ है जिसकी मस्जिद है, ये बोलेंगे अभी इसका काम दोबारा शुरू करेंगे, ये है 100 साल पुरानी मस्जिद। और यहाँ पे गिलास वगैरह पड़े हैं, यहाँ पे कुरान वगैरह पड़े हैं इधर, ये देखें ये मस्जिद, और बस ये बिछाया हुआ है और सफाई भी नहीं हुई फ़िलहाल तो, ये जब नमाज़ पढ़ते होंगे सफाई करेंगे फिर नमाज़ पढ़ते होंगे। गाइस ये मस्जिद बाहर से कुछ ऐसी दिखती है और इसके बराबर में ट्यूबवेल है और ये दीवार वगैरह इधर ये बनाया हुआ है बैठने वगैरह के लिए। देखिए आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये पुरानी मस्जिद है, इसकी मीनार भी गिर चुके हैं इसका, देखिए एक है इधर एक है ही नहीं इधर, और ये देखें एक मीनार है इसका एक मीनार नहीं है। और ये कुछ मस्जिद है आपको दिखाना था, और ये देखें गेट कितना पुराना है, आपको लग रहा होगा ये कलर किया था इन्होंने 2-3 साल पहले। ये देखें ये सी कुछ मस्जिद है, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि एहसान भाई झूठ बोल रहा है, भाई झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, अगर आप हमारे किसी गांव में से पूछते हो तो सच में ये पुरानी मस्जिद है वो भी बताएगा आपको। मस्जिद बहुत पुरानी है और मुबशर हमारे भाई गए हैं इसको बंद करने, क्योंकि हमने खोली थी इसको दिखाने के लिए। और गाइस ये था पहले वॉशरूम, ये देखे ये अभी बंद कर दिया इन्होंने चारों तरफ से, इधर सामान पड़ा है कुछ ऊपर। और बस यही मस्जिद आपको यही दिखानी थी, और अब आप हमें सपोर्ट करें अगर। गाइस ये है वो मस्जिद जिसका हमने ब्लॉग बना लिया है, वो वाला ब्लॉग लाजमी से आप देख लेना। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर को वापसी, और आगे भाई एक कुत्ता हमारे को पकड़नी पड़ेंगी लकड़ियाँ उसको डराने के लिए, छोटा सा कुत्ता है मतलब काटेगा नहीं मेरे को इतना पता है। चलो भाई क्या है किस चीज़ का इंतजार है चलो। فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال। इसके साथ में ये एक नलका लगाया गया है, हम नलका बोलते हैं इसको, और इससे बंदा विजू वगैरह करके अंदर जाएगा। तो गाइस यही था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
وجدت أني خاسر فتلك مظاهر.